सो हाय गाइज, माय नेम इज स्नेहल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो दिखाने से पहले आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ गाइज कि आज की जो वीडियो है ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे ही गाइज आप सभी ने आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि नागपुर के समता नगर में एक मूर्ति निकली है, जिस मूर्ति को कई सारे लोग माता की मूर्ति कह रहे हैं और कई सारे लोग बुद्ध की मूर्ति कह रहे हैं। बट गाइज, ये चीज़ की पुष्टि होना बाकी है कि वो मूर्ति माता की है या फिर वो गौतम बुद्ध की है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नागपुर एक नागवंशों का यानी सिटी है और साथ ही साथ महान अशोक सम्राट जिनके नाम से अखंड भारत का सात बारा है और साथ ही साथ अखंड भारत भी उन्होंने घड़ाया है। जब उन्होंने कलंक के युद्ध लड़ा था तो उस समय जब उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसके बाद महान अशोक सम्राट ने इंडिया में 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया था, जो कि अभी तक हमें कई जगह मिले हैं और बहुत सी ऐसी है कि मूर्तियां जो नहीं मिली है वो ज़मीन में दबी है। और आप सभी को पता ही होगा गाइस कि आप इंडिया में कहीं पे भी जाओ, अगर आप खुदाई करोगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मूर्ति निकली है तो वो है गौतम बुद्ध की। जैसे कि आज नागपुर शहर में समता नगर स्थित यहाँ पर एक मूर्ति निकली है, सो वहाँ पर आप ये वीडियो देख लीजिए। अब ये वीडियो में देख सकते हो गाइस कि यह मूर्ति के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा है और यहाँ पे कई सारे लोगों ने हल्दी डाली है। और इसका मैं आपको थोड़ा बता दूँ, मैंने वहाँ से थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ, तो वहाँ पे ऐसा मुझे पता चला है कि जब वहाँ पे खुदाई कर रही थी तो तिकास पे कोई पत्थर लगा तो लोगों ने सावधानी पूर्वक वहाँ पर खुदाई की और मूर्ति ऊपर निकाले, तो वहाँ पर मूर्ति का सिर दिखा। आप वीडियो में देख पा रहे हो तो सिर दिखा, तो आजू बाजू से उसे साफ की, उसके ऊपर हल्दी कुकू चढ़ाए और उसे देवी माँ की मूर्ति कहा जा रहा है। पर आप साफ तौर से देख सकते हो कि ये चीज़ की पुष्टि होना अभी बाकी है, क्योंकि जो सरकारी समिति के जो लोग हैं जो आएंगे वो पुष्टि करेंगे कि मूर्ति कितनी साल पुरानी है और ये मूर्ति देवी की है या गौतम बुद्ध की है। आपने ऐसे बहुत सारे देखे होंगे इस वीडियो जिसमें कि गौतम बुद्ध के आपको लंबे कान दिखाई दे रहे होंगे, महा अशोक सम्राट का जो राज मुकुट है उस तरीके का ये आपको ये मूर्ति में दिखाई दे रहा है। जो माथे पे, बहुत सारे लोग ये चीज़ को नोट करेंगे कि ये जो माथे पे जो टीका दिया गया है तो वो टीका भी आपने बहुत सारे गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ में देखे ही होंगे और इतिहास इस चीज़ का गवाह है गाइस कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई मूर्ति मिली है तो वह है गौतम बुद्ध की। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये मूर्ति गौतम बुद्ध की है या देवी माँ की है, क्योंकि गाइस अभी नवरात्रों को ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहे, हो सकता है अभी इस चीज़ की पुष्टि होना बाकी। अभी कई सारे लोग, यानी कल शाम को 6 बजे मूर्ति निकली है और कई सारे लोग अभी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं मूर्ति देखने के लिए, वहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त भी है और साथ ही साथ न्यूज़ चैनल से लेकर वहाँ पर हर चीज़ आ रही है, पर सरकारी लोग अभी तक वहाँ पे आने की है और मूर्ति की पुष्टि का होना अभी बाकी है। पर मेरा ऐसा मानना है गाइस कि ये जो मूर्ति है, मैंने जब देखा, नज़दीक जाके देखा तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं ये मूर्ति गौतम बुद्ध की लग रही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और आज की जो वीडियो था गाइस ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए था, तो इसे प्लीज़ माइंड में ना ले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं गाइस कि अपन कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ और चले जाता है तो कमेंट में कुछ भी बता देते हैं। तो ये चीज़ की पुष्टि होना बाकी है कि यह मूर्ति गौतम बुद्ध की है या माता रानी की है। जो भी है मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अभी थोड़े देर से मैं और जा रहा हूँ, वहाँ पर पूरा फुल व्लॉग शूट करूँगा और मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाऊँगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना और मुझे गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आपकी राय, क्योंकि मुझे आपकी राय जानना है, क्योंकि आप सभी को पता है महान अशोक सम्राट ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया था, उनमें से हमें कुछ ही मिले हैं और कुछ तो अभी तक ज़मीन में है। जैसे कि आप मंसर रोड पे जा सकते हो, मंसर रोड पे इतना बड़ा यानी अशोक सम्राट का वहाँ पे स्तूप बना है, तो वहाँ पर भी खुदाई के समय बहुत बड़ा यानी राजमहल निकला था, वहाँ पर भी गौतम बुद्ध की प्रतिमाएँ निकली थी। तो हो सकता है कि वो मूर्ति गौतम बुद्ध की है और ये भी हो सकता है कि वो मूर्ति माता रानी की। अभी बता नहीं सकते, हमारा भारत देश है, भारत देश में आप सभी को पता है कितने सारे चमत्कार होते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।